रेटी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दाल पालक बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए हमें ये हमने 500 ग्राम पालक जो धोकर अच्छी तरह काट लिया है, दो छोटे मीडियम साइज के प्याज हैं जो हमने छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, दो हरी मिर्च, दो साबुत लाल मिर्च, ये हमारी 200 ग्राम मूंग छिलका की दाल है, दो छोटे मीडियम साइज के छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हुए टमाटर हैं, आधा चम्मच देगी मिर्च, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, 6-7 कलियां लहसुन की जो हमने ग्रेवी काटी हुई है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो हमने ग्रेट कर रखा है, चुटकी भर हींग और 1 चम्मच गरम मसाला। आइए गाइस बनाना शुरू करते हैं। अब कुकर में हम ये पालक सारी है जो हमने धो के रखी थी वो हम एक कुकर के अंदर डाल देंगे। हमने ये पालक डाल दिया कुकर में। अब हम इसमें जो अदरक का वो कद्दूकस किया था वो डाल देना है, दो हरी मिर्चे डाल देनी है, और जो हमने हल्दी और धनिया ये सब हमने, नमक ये सब हमने इसमें डाल देना है। अब हम इसमें 1.5 ग्लास पानी डालेंगे। एक उबाल आने तक हम इसको तेज गैस में पकाएंगे। इसको करछी से मिक्स करेंगे अच्छी तरह और तेज गैस पे एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे। देखिए पालक में हमारा एक उबाल आ चुका है। अब इसको हिलाएंगे। ये जो हमने दाल मूंग धुली रखी थी धोके उसको हम इसमें डाल देंगे। जो हमने दाल डाली थी उसको मिक्स करके अब हम तेज गैस में 1 सीटी लगाएंगे। हमारी 1 सीटी लग गई है, ये देखिए। अब हम इसमें अब तड़के की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में 1 करछी सरसों का तेल डालेंगे। आप ऑप्शनल है, आप देसी घी कुछ भी रिफाइंड किसी में बना सकते हैं। हमने सरसों के तेल का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल गर्म हो चुके हैं, हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग, साबुत लाल मिर्चे, जो हमने लहसुन की कलियां छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखी थी वो डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह हम थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन हमारा देखो भून चुका है। अब इसमें हमने जो छोटे छोटे 2 मीडियम साइज के प्याज काटे थे वो डाल देंगे और फिर हम इसको भूनेंगे। ये प्याज हमारा भून चुका है। अब जो हमने एक देगी मिर्च ली थी वो डाल देंगे। मिर्च आप अपनी अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि हरी मिर्च डालिए अगर कम खाते हैं कम डालिए, तेज खाते हैं तेज डालिए, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। अब छोटे टुकड़ों में टमाटर काटे थे वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भूनने तक पकाएंगे, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। इसको ढक के हम पकाएंगे। मसाला हमारा भून चुका है, ऑयल हमारा देखो बाहर आ चुका है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। जो हमने पालक दाल उबाल के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। पालक दाल डाल दी है, बस इसमें हम 2-3 मिनट उबाल आने देंगे और फिर गैस ऑफ कर देंगे। दाल में एक उबाल, दाल पालक में एक उबाल आ चुका है। हम गैस ऑफ कर देते हैं और हमारी ये पालक दाल बनके तैयार हो चुकी है। देखिए गाइस ये स्वादिष्ट पालक दाल बनकर तैयार हो चुकी है।
आप इसे घर पर ऐसे इसी तरीके से बनाइए तो बार बार बनाने का मन करेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। पहले बनाइए, खाइए, फिर बताइए। बाय बाय।